हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ टमाटर और गाजर की चटनी। साउथ इंडियन स्टाइल बहुत ही टेस्टी होती है। इसके लिए हमने टमाटर ढेर सारे ले लिए, गाजर 4-5 ले लिए हैं। अब इसके लिए हम पहले एक फ्राइंग पैन में तेल गरम करेंगे और उसमें हम साबुत लाल मिर्च डालेंगे फ्राई होने के लिए। तो अब देखिए, यहाँ मैंने ले लिया है फ्राइंग पैन, उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला और 2 बड़ी वाली सूखी लाल मिर्च। अब ये थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्च और उसके बाद गाजर। और ये हमारे जो लाल मिर्च है ये भून गए हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी अपने हरी मिर्च। हरी मिर्च को डाल के थोड़ा कवर कर देंगे, ये फूटने लगता है, ये फ्राई होते ही। अब इसमें अपने गाजर को डाल देंगे। ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है इडली के साथ, पराठे के साथ, डोसे के साथ। अब ये हमारी मिर्ची फ्राई हो गई है। अब हम इसमें साथ में ही डाल देंगे अपने जो गाजर और टमाटर के साथ, इसको अब इसी में मैं डाल दूंगी थोड़ी सी 10 से 15 चरस करीब के जो साबुत तो होते हैं ना, अपने लहसुन की कलियाँ, उनको मैं डाल दूँगी। अब इसी में हम ये ना साबुत लहसुन करके से धो कर रखे हैं, ये डालेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत जीरा, मिर्ची पाउडर, कश्मीरी और हल्दी, नमक। अब मैं इसमें साबुत धनिया जीरा ऐड करती हूँ। आप चाहे तो धनिया भी ऐड कर सकते हो, धनिया से भी फ्लेवर अच्छा आता है। तो ये मैंने 1 टीस्पून के या 2 टीस्पून के करीब डाला है जीरा, साबुत जीरा, इससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है। अब मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर और नमक। ये मैं हल्दी डालूँगी 1 छोटी टीस्पून, नमक स्वादानुसार, कश्मीरी रेड चिली पाउडर जस्ट थोड़ा सा कलर के लिए। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा टमाटर फ्राई ना हो जाए। फ्रेंड्स, मैं जब इसको ग्राइंड करूँगी ना तो इसमें थोड़ा सा मूंगफली भी डालूँगी, तो वो मैंने ऑलरेडी रोस्ट करके रखा है। मैं ऐसे भी रोस्ट करके रख देती हूँ कि कई बार चटनियों में बनाने में ईजी हो जाता है। तो चलिए अब इसको हम कवर करके पका लेंगे जब तक ये टमाटर गल ना जाए। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ टमाटर गले हैं कि नहीं। ये देखिए हमारे टमाटर हाफ डन हो गए हैं, हमें ऐसा ही चाहिए, बहुत पूरा गलाना नहीं है क्योंकि हम इसको अभी ग्राइंड करने वाले हैं और उसके बाद हम इसको इसकी टेम्परिंग करेंगे। पहले अब ये गल गया है तो अब हम इसको थोड़ा ठंडा कर देंगे, उसके बाद ग्राइंड करेंगे। और ये हमारी चटनी हो गई ठंडी, तो अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसके लिए हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और इसमें हम पहले मूंगफली डालेंगे, जो हमारे रोस्टेड मूंगफली है उसको पहले डालेंगे। और ये हमने डाली मूंगफली, अब चलिए हम अपनी चटनी को इसमें ट्रांसफ़र करके ग्राइंड कर लेते हैं पहले। और ये हमारी हो गई चटनी ग्राइंड। इसको देखिए हमने दरदरा ग्राइंड किया, बहुत बारीक नहीं किया। अब हम इसको तड़का मारेंगे। तो चलिए इसके लिए हम वही पैन ले लेंगे जिसमें हमने चटनी को फ्राई किया था। अब इसको हम पहले गर्म कर लेते हैं फिर इसको। और हमने ये तेल ले लिया पैन में, अब इसमें डालेंगे हम साबुत राई। चाहे तो आप इसमें थोड़ा जीरा भी डाल सकते हैं, सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने चटनी में बहुत सूखी लाल मिर्च मुंह में आने से बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए मैं तड़के में नहीं डालूंगी। अभी जैसे राई चटक जाए इसमें करी पत्ता डालेंगे और मैंने थोड़ी लहसुन की कलियों को कूट के रखा था वो भी डाल लेंगे। राई चटकने लगी, अब इसमें करी पत्ता डाल के कवर कर लेंगे। और ये देखिए मैंने लहसुन की कलियों को दरदरा कूटा है। अब हम इसको भी इसमें डाल के थोड़ा चला देंगे और फिर से इसको कवर करेंगे। कितना तेल गिर रहा है देखिए इस चटनी में, जो हम लहसुन का तड़का मारते से जो सौंधी खुशबू आती है ना, इतना अच्छा लगता है खाते वक्त, और वो बीच बीच में मुँह में आने पे बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए अभी हो गया है, हम उसमें चटनी डाल देंगे और हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। अभी हमारा तड़का रेडी हो गया, हम इसमें अपनी चटनी को डाल देंगे। और ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है, कलर देखिए कितना सुंदर आया है। तो आइए अब इसको हम कर लेते हैं सर्व।
तो देखिए मैंने इसे इडली के साथ सर्व कर लिया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए और बताइए खा के कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।